प्रेगनेंसी में एंजाइटी, स्ट्रेस, सोने से रिलेटेड प्रॉब्लम, आराम नहीं मिल पा रहा है, अच्छी नींद नहीं आ रही, मूड अच्छा नहीं रहा, ऐसी बहुत सारी तो प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा उपाय है जो बहुत सस्ता है, बहुत सुलभ है, आप सभी उसको जानते हैं, करने का तरीका अगर समझ लेते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी, आपको इससे काफी मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब वर्म चैनल में। और आज मैं बताने वाली हूँ कि कैम्फर कपूर का प्रयोग कैसे करें कि प्रेगनेंसी के डिसकम्फर्ट खत्म हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेगनेंसी में आपको प्रभावित करती हैं, जैसे कि अगर आपके घर में मच्छर है तो हो सकता है आपको डेंगू हो जाए, या मलेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है आपको। इसके अलावा प्रेगनेंसी में स्ट्रेस और एंजाइटी काफी बनी रहती है, तो मूड बूस्टर, एंजाइटी में रिलीफ देने वाली चीज है कैम्फर। कैम्फर को यूज कैसे करना है ये अब आगे समझेंगे। सबसे पहले हम इसके फायदों को समझते हैं कि कैम्फर जब आप अपने घर में यूज करते हैं तो ये एंटी फंगल होता है। घर के कोनों में, सोफे के पीछे, बेड के नीचे, जहां तक रोज आप सफाई नहीं कर पाती हैं, उन जगहों पर, स्पेशली बरसात या सर्दी के मौसम में, या फिर ऐसे एरियाज, मेट्रो सिटीज में देखा जाए तो घर के अंदर सब जगह धूप पहुंच ही नहीं पाती है, तो ऐसे में जर्म्स का, माइट्स का पनपना बहुत कॉमन है। ऐसे में कैम्फर आपकी मदद कर सकता है। कैम्फर अगर आप यूज कर रही हैं तो कोल्ड एंड कफ में भी आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी, क्योंकि स्टडीज कहती हैं कि ये डीकॉन्जेस्टेंट होता है, यानी कि अगर कफ वगैरह है, नेजल ट्रैक में कफ है, बलगम जमा हुआ है, तो उसमें भी आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कैम्फर यूज करने से। कैम्फर अरोमा थेरेपी की तरीके से भी काम करता है। कैम्फर के यूज से स्लीप क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। तो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन का हैप्पी रहना, अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैम्फर से आपको इन प्रॉब्लम्स में हेल्प मिल सकती है। सो समझते हैं यूज कैसे करना है। सबसे पहले कैम्फर को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, बर्न करके या फिर सिंपली अपने घर में अलग अलग जगहों पर प्लेस करके। बर्न करने से अपने घर के दरवाजे बंद कर लें, ये ना कि कैम्फर आपने बर्न किया और वो सारा फ्यूम जो उससे क्रिएट हुआ है वो तुरंत ही बाहर निकल जाए। थोड़ी देर के लिए दरवाजों को बंद करके रखें ताकि वो घर में सब तरफ अच्छे से डिफ्यूज हो जाए। तो कैम्फर को आप बर्न करें, लेकिन ध्यान रखें आप प्रेग्नेंट हैं, कैम्फर जब आप लाते हैं तो कई बार वो सफेद सफेद सा आता है, कई बार उसमें कुछ मिलावट होती है, टॉक्सिन भी होती है, तो डायरेक्टली कैम्फर को नहीं सूंघना है, डायरेक्टली नहीं लेना है, डिफ्यूज होने दें। कोशिश करें कि एकदम पारदर्शी प्योर अगर कपूर आपको मिलता है, जो ऑनलाइन आजकल मिल जाता है आसानी से, तो उसका आप प्रयोग करें। प्योर कैम्फर के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आप कैम्फर को अपने घर में सिंपली कैम्फर को अजवाइन के साथ भी ले सकते हैं। कैम्फर और अजवाइन का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट होता है प्योरिफिकेशन के लिए, घर के एनवायरमेंट को प्योर करने के लिए, एयर प्योरिफिकेशन के लिए। तो इसको आप बर्न करके अपने पूरे घर में घुमा सकते हैं। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी नहीं हो पाता, रूटीन बिजी हम नहीं कर पाते, देन बाथरूम्स में, अपने बेडरूम में, ऐसे जगहें जो एकदम कोने में है, सकरी हैं, जहां तक धूप नहीं जाती, जहां तक फ्रेश एयर का सर्कुलेशन नहीं है, ऐसी जगहों पर कैम्फर की टिकिया आप प्लेस कर दे, सिंपली रख दे, क्योंकि ये एवेपरेट होता है और डिफ्यूज होता रहता है धीरे धीरे, तो आपको अलग से किसी डिफ्यूजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कैम्फर रखा है तो रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे डिफ्यूज होता रहेगा और इसकी खुशबू फैलती रहेगी और ये अपना काम करता रहेगा। तो हर जगह कोनों में आप कैम्फर को प्लेस कर सकते हैं, और इससे यकीन मानिए बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, क्योंकि ये मूड पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। कैम्फर का जब स्मेल आप लेते हैं तो बड़ा अच्छा फील आता है, रिलैक्सिंग फील आता है, तो स्ट्रेस और एंजाइटी में आपको काफ़ी आराम मिलेगा और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो आशा करती हूँ कि कैम्फर का ये प्रयोग अगर आपने अब तक नहीं किया है, इस तरीके से यूज़ नहीं किया है, तो करेंगी और हमें भी ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको कैसा लगा ये इस्तेमाल करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।